क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल। राहुल कहाँ से आए आप? रुद्रपुर, उत्तराखंड। रुद्रपुर उत्तराखंड से? जी हाँ अच्छा, तो अभी आपने मतलब अपना टैटू बनवाया है, जी हाँ। कहाँ से बनवाया आपने? यही लाल आपका किले से, लाल किला के रोड बाहर, पर। तो रोड पर। आपके भाई ने ये टैटू हमारे यहाँ से बनवाया है, दिखाएंगे एक बार। तो मतलब आप अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहेंगे कि आपने क्या क्या चेंज देखा? चेंजिंग क्या देखा वहाँ पे? तो पहली बात, एक ही कपड़ा यूज कर रहे थे। अच्छा, मतलब दूसरी बात, एक ही नेडिल यूज कर रहे थे। हाँ, सबकी बॉडी पे। कितने सबकी बॉडी पे। टैटू आपके सामने बने थे? अच्छा, मेरे सामने लगभग टैटू वही 20-25 बन गए थे। 20-25 बन गए थे जी और हाँ, सबका एक ही नीडल और एक ही सबका एक नेडिल। ही। ओके, जब तक आप खुश थे मतलब टैटू आपने बनवा लिया, लेकिन जब आप यहाँ पे आए तो आपने क्या क्या चेंज देखा? यहाँ पर देखा आपने, ग्लव्स पहन रखा है उसको दोबारा यूज नहीं कर रहे। निडिल यूज करी तो उसको दोबारा यूज नहीं कर रहे। एक बार यूज करने के बाद जो जो भी आप सामान यूज कर रहे हो वो दोबारा यूज नहीं कर रहे। सब डस्टबिन में मतलब फेंक दे रहे हो। और वहाँ पे तो काफ़ी कपड़ा भी इतना गंदा तो था। आप ये मान सकते हो कि ये कहीं ना कहीं रिस्क है बॉडी को लेके, कुछ भी कोई बैक्टीरिया आ रिक्स जाए। रिक्स तो बहुत बड़ा रिक्स है। नहीं देखो, ये आपको नहीं पता था तो आपने बनवा हाँ, लिया, मुझे नहीं लेकिन पता था। अब कम कहीं ना कहीं आपको इतना तो पता लग गया कि मुझे अब आगे कैसे क्या करवाना है। आगे मुझे नहीं कराना है। अब फिनिशिंग के बारे में क्या कहेंगे आप? फिनिशिंग के बारे में आप इनका देख लो, आप मेरा देख लो। मेरा हाथ पूरा मतलब सूज रखा है और उनका नहीं। फिनिशिंग आपको इसी से पता चल जाएगा कि फिनिशिंग। तो आगे जैसे आप किसी को, हमारे अपकमिंग जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगा कि ये गलियों में रोडों पे बैठने ना बनवाएं। जाएं किसी से मतलब दुकान पे, शॉप पे जाएं, अच्छे से जान लें क्या है क्या नहीं है, फिर जाके करवाएं। वो भी शॉप पे, ये गलियों वलियों में ना बनवाएं। तो आगे अभी ये टैटू ठीक करवाना, आगे मैं टैटू ये ठीक करवाना है मुझे। 2 महीने बाद मैं आऊँगा फिलहाल में, फिर करवाऊँगा। अच्छा आपका क्या नाम है? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। नहीं, आपका क्या नाम है? मेरा सुमित नाम है। सुमित। सुमित, मुझे आप ये बताएंगे थोड़ा सा कि जैसे इन्होंने आपके सामने टैटू बनवाया लाल किले से, मेरे सामने टैटू ठीक है, बनवाया। और सस्ता भी बनवाया आपसे, तो बहुत सस्ता बनवाया इन्होंने, लेकिन फिर भी आपने मतलब उस सस्ते के उसमें नहीं आए कि मैं अपना पैसा बचा लूँ, या मतलब आपने क्या सोचा कि मुझे मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पे टैटू बनवाना है? आपने मतलब सर्च किया देव टैटूज? देव टैटू के नाम से सर्च किया मैंने। मैं सोचा कि वहाँ ना बनवाने से अच्छा है थोड़े पैसे और खर्च करके अच्छी जगह टैटू बनवाऊंगा मैं अपना। तो आपने, अगर आप कंपेयर करें तो आपने क्या क्या देखा मतलब? कंपेयर करें तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक ही कपड़ा यूज़ करे जाता है बार बार सबके हाथों पे उस चीज़ से। और स्वेलिंग टाइप से देखा जाए तो बहुत स्वेलिंग आई है उसके हाथों में, जिससे डर लग रहा है कि आगे जाके कुछ हो ना जाए हाथ के अंदर। और यहाँ पर आऊँ तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि मैंने चेस्ट पे थोड़ा टैटू बनवाया है। स्वेलिंग टाइप से कुछ नहीं पता। फिनिशिंग और फिनिशिंग की अगर बात करें तो के बारे में तो किया जाए तो फिनिशिंग बहुत अच्छी है। ऐसा लग रहा है कि इतनी अच्छी फिनिशिंग कोई नहीं देगा। आप क्या कहना चाहोगे हमारे जो अपकमिंग मतलब क्लाइंट्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों ने बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस किया है, और ये कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस आप लोगों को दे रहे हो कि लोग मतलब गलत जगह पे ना जाएं अपने ऊपर, क्योंकि बॉडी मतलब टैटू सस्ता हो सकता है पर बॉडी कभी सस्ती नहीं होती, बॉडी की ठीक है बिल्कुल ना? बॉडी आपकी पूरी, और फिर ये टैटू लाइफ टाइम चलने वाला है, तो इससे समझौता मतलब ना नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग फिर भी करते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती। अब इनको क्या है कि अभी रिग्रेट हो रहा है इनको, थोड़ा सा इनको हाँ। पछतावा हो रहा है कि मैं अगर पहले आ जाता तो मैं पहले यहीं आ बनवाता। जाता हाँ, तो यहाँ बनवा लेता। अभी क्या है, इनको ये चीज़ नहीं लग रहा कि यार मैं सस्ता बनवा लिया, लेकिन सस्ता भी आप इनको बेकार लग रहा है, और कारण क्या है कि उनकी फिनिशिंग, उनका काम करने का तरीका, अब इन्होंने हमारे पास आके देखा है कि हम पूरा काम हाइजीनिक तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल
एक एक नीडल ग्लव्स टिप्स हर चीज हम फ्रेश यूज कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो किसी को भी। तो बस यही कि आप हमारे आने वाले क्लाइंट्स को क्या मतलब अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देव भाई के पास जरूर आए, बहुत अच्छा आर्टिस्ट टैग बनाते हैं। कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये देख के, कि मैं चाहूँगा कि दोबारा फिर मैं यहीं आके बनवाऊँ, और इनसे भी कहेंगे कि आगे ये दोबारा यहाँ पर आके सही कराएं। आप स्पेशली रामपुर से आए थे टैटू बनवाने के लिए? चलिए ऑल द बेस्ट, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप जाएंगे वापस और कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और आपके लिए भी मैं इतना कहना चाहूँगा कि 2 महीने बाद आप आके इसको ठीक करवा लें। ओके चलिए, थैंक यू।